ओम शांति। आज आपका 134वें दिन का ही श्री वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी कमी कमजोरियों को हटाएं स्वमान के द्वारा। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, तो कमजोरियां तो एक ही हैं जो कि हम सुनते भी आए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से वो कैसे वार करती हैं, जैसे दिखाया जाता है ना कि शेषनाग का एक सर काटा तो फिर से निकल आया, दूसरा काटा फिर से निकल आया, तीसरा काटा फिर से निकल आया, लेकिन जब गले से ही काट दिया, जड़ से ही काट दिया, तो सारे के सारे सर कट गए। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम एक को काट करके फिर वो निकल आए, दूसरा काटे फिर निकल आए, वैसा ना करें। हम एक ही बार में एक ऐसा मंत्र समझ लें, एक ऐसा तंत्र समझ लें जिसके द्वारा हम परम पिता परमात्मा से सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सब कुछ वापस ले लें। तो आज का वह वरदान जो कि हमें याद दिलाता है कि वो एक महीन तरीका कौन सा है जिसके द्वारा हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या जिसको कहते हैं स्वमान में स्थित होकर के सारी कमी कमजोरियों को हटाएं। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित, स्व को मान देना। आज इंसान अपने आप को मान तो देता है, लेकिन दुनियावी चीज़ों के अनुसार, दुनियावी प्राप्तियों के अनुसार, दुनिया में जो जो चीज़ें उसने हासिल करी हैं उसके अनुसार, परमात्मा कहते हैं उसको अशुद्ध स्वमान। तो आप चाहे धनवान हो, चाहे बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन पे हो, चाहे आपने बहुत सारी पढ़ाई करी हो, बहुत सर्टिफिकेशंस लिए हों, कॉलेज किए हों, इंजीनियरिंग करे हों, IIT पास करा, सब कुछ क्या हो, परमात्मा कहते हैं वो केवल एक जन्म की प्राप्ति है, वो सदा काल के नहीं जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि उस चीज़ का अगर अभिमान आ गया तो आपके कर्मों में मिलावट हो जाती है, अब पवित्र होने शुरू हो जाते हैं आपके कर्म, जिस कारण से बाबा कहते हैं कि उन सारे कर्मों में आप खुद ही उलझते जाते हो और फिर कहते हो हे प्रभु मुझे मुक्त करो दुख से। तो बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित रहे देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त हवा। प्रमुख बारिश में परमात्मा ने आके हमें सिखाया है कि देह का अहंकार या देह के भान में या अपने आप को देह समझने के कारण ही हम आत्माएं मुक्ति में नहीं जा पा रही हैं। कहता तो हर कोई है, किसी का देहांत होता है तो हर कोई कहता है कि स्वर्गवासी हुआ, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो गलत है। जब तक हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र नहीं बनती तब तक कोई भी अभी तक वापस जा नहीं सका है, हर कोई पुनर्जन्म में आ रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी धर्म मानता हो पुनर्जन्म को या ना मानता हो, लेकिन हर कोई आत्मा बिना पवित्र बने परमात्मा के घर परम धाम आलम अरवाह कहें, निर्वाण धाम कहें, शांति धाम कहें, मुक्ति धाम कहें, वहाँ कोई भी लौटा नहीं है अभी तक। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि देह अभिमान के कारण। तो इसके विस्तार में चलें। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। परमात्मा का फरमान क्या है? गॉडली ऑर्डर। परमात्मा का फरमान है कि सुबह से लेकर के रात तक अपने हर एक कर्तव्य को देखो, आत्मा समझ करके हर कर्म करो तो आपके द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होगा, लेकिन देह समझ करके कर्म करा तो आपके अंदर देह का अभिमान आएगा। क्या प्रकार के देह अभिमान आ सकते हैं हमारे अंदर? हम सोच सकते हैं कि मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इतना सब कुछ कमाया है, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला? अहंकार। तो परमात्मा उसके लिए कहते हैं कि स्वमान को इस्तेमाल करो। स्वमान क्या होगा इसके अंदर? मैं नम्रचित आत्मा हूँ, मेरे अंदर नम्रता के गुण हैं, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ जो नम्रता के सागर हैं। एक स्वमान हो गया जिससे कि क्या होता है, अटेंशन रहता है और कोई विकर्म नहीं होता। फिर आगे और भी हम देखेंगे उदाहरण। बाबा कहते हैं स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं हमारे अंदर देह अभिमान। कभी किसी से ईर्ष्या होती है, कोई आगे बढ़ रहा होता है, तो उस समय क्या स्वमान इस्तेमाल करें? मैं अनोखी आत्मा हूँ, मैं एक अलग आत्मा हूँ, मेरा पार्ट इस दुनिया में अलग है, मेरा पार्ट किसी और से ना मिले और किसी का पार्ट मेरे और से ना मिले। तो परमात्मा ने कहा है कि अपने आप को अलग समझना बहुत ज़रूरी है। हम ईर्ष्यावत होकर के औरों को कंपेयर करते हैं अपने साथ में,
और कभी कभी उनको उन्हीं के पार्ट में हराने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनको उन्हीं के पार्ट में क्यों हराते हो, उन्हीं के आइडियाज़ में क्यों हराते हो, उन्हीं के तौर तरीक़ों में क्यों हराते हो। अपना जो तुम्हें यूनिक तौर तरीका तुम्हें परमात्मा ने दिया है, तुम्हें एक अलग अनोखी आत्मा हो, तो तुम उस अनुसार चलो। तो जब हम सोमान में रहते हैं तो हम ना किसी से कंपीट करते हैं, ना कंपैरिजन करते हैं, और ना ही हम कभी गिरते हैं नीचे। तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी हमारे अंदर रहती है, और ईर्ष्या में आकर के जलन होती है, जलने से हमारे अंदर की रचनात्मक क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जलता कौन है, जलती है क्रिएटिविटी। तो आपका एक पार्ट है, आपका एक एक्टिंग का पार्ट है। अगर आप किसी और एक्टर की एक्टिंग कॉपी करके या उससे जेलस होकर के उसको उसकी ही एक्टिंग में हराओगे तो आप अपनी एक्टिंग कब करोगे। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को याद रखो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा अपना पार्ट अलग है, ये सोमान में रहो। फिर आगे क्या कहते हैं बाबा, लेकिन जब सोमान में स्व शब्द भूल जाते हैं, स्व कौन, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस फलानी फैमिली का नहीं, मेरी ये फलानी फैमिली ट्री का हूँ मैं राजाओं और पुष्तों का पूर्वज, उनके संतान हूँ मैं, उनकी औलाद हूँ मैं, ये फलानी चीज़ें हमें बांध के रखती हैं। परमात्मा कहते हैं इस बंधन से छूटो। तुम्हारा परिवार जहाँ पैदा हुए हो वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता कि तुम कौन हो, तुम एक अलग आत्मा हो। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट लेके आई है। हाँ, कर्मों के हिसाब से आप किसी फैमिली में पैदा हो गए हो, चाहे वो पुश्तैनी महाराजा महारानियाँ हों, चाहे वो पुश्तैनी इंजीनियर्स की फैमिली हो, डॉक्टर्स की फैमिली हो, कुछ भी आप समझ लीजिए, चाहे आप सारे पॉलिटिशियंस की फैमिली में पैदा हो गए हों। लेकिन अगर आप अपने आप को भी सोचेंगे मुझे भी पॉलिटिक्स में ही जाना है, तो क्या आप अपना पार्ट सही बना रहे हैं? अंदर से जानना ज़रूरी है। कई आत्माएं खालीपन महसूस करती हैं जीवन भर कि मेरे को कुछ करना है इस दुनिया में आकर के, लेकिन मैं क्या करूं, और वो औरों को देख करके उनको ही कॉपी करते रह जाते हैं। सोचते हैं कि मेरे दादा मेरे पिता ये थे तो मुझे भी यही बनना है। कभी कभी पार्ट एक जैसे हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमियां कमजोरी हैं उसको हटाएं, देह अभिमान को हटाएं, तो जाकर के हम अपने सच्चे मार्ग पर चल पाएंगे। क्योंकि यही सारी चीज़ें, अपने आप को तुलना करना किसी से, चाहे एक बच्चा अपने पिता से तुलना करे, चाहे एक माँ अपने बच्चों से तुलना करे, चाहे एक बच्चा अपने माँ से तुलना करे, चाहे साथी संबंधी आपस में तुलना करें, ये सब कुछ देह अभिमान है, जिस कारण से हम अपने सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाते हैं और जीवन भर अपने आप को तुलनात्मक स्थिति में ही पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं और आगे, अब कहते हैं लेकिन जब स्वमान में स्व शब्द भूल जाते हैं और मान शान में आ जाते हैं कि मुझे मान शान चाहिए, और इंसान मान शान का भूखा है ही। परमात्मा कहते हैं लेकिन जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो तुम्हें मान शान मैं देता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सारे राज को पहचान जाते हो, तो तुम नाराज़ नहीं होते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि इस जन्म में अगर मैंने मान शान कमा लिया, ले लिया, मांग लिया, तो कई जन्मों की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे तो क्या हो गया, इस जन्म में तो कमा लेना, अगले जन्म को किसने देखा है। परमात्मा कहते हैं इस जन्म में भी जब तुम कुछ ले लेते हो तो उसके बाद में मांगने वाले को बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, दो बार मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, जो कि ऊर्जा खींचता है औरों की। किसी को अगर मान शान चाहिए, अगर आपको सब कुछ मान शान चाहिए, तो फिर सारी जो आत्मा आपके आसपास, उनको कैसा महसूस होगा आपसे? क्या वो ईर्ष्या करेंगी नहीं करेंगी, क्या आपसे वो घृणा करेंगी नहीं करेंगी, क्या आपके ऊपर लालचना कुछ बुरी बातें करेंगी नहीं करेंगी? क्योंकि आप सब कुछ ले सकते हो और ले लेते हो, आपको सेल्फिश कह सकती हैं वो आत्माएं। तो परमात्मा कहते हैं अगर एक जन्म में इसी जन्म में ले लिया तो फिर ये भी भुगतना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आगे कि लेकिन जब स्वमान में से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हैं, तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होनी लगती हैं ना। मुझे मान शान चाहिए तो औरों को मैं क्यों फिक्र करूं? तो उससे क्या होता है, ईर्ष्या बढ़ती है, घृणा बढ़ती है, लालच बढ़ता है, जो वातावरण वो बिगड़ता है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। आपको मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं जब आप मान शान चाहते हैं। तो फिर लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्या पुरुषार्थ करना है हमें ये पुरुषार्थ करना है कि मैं ही केवल आगे ना बढ़ूँ और भी आगे बढ़ें।
तो मैं नम्रचित आत्मा हूँ, मेरे अंदर नम्रता है, मुझे मान शान की जरूरत नहीं है, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ। यह है स्वमान। इन स्वमानों को इस्तेमाल करें तो आप हर मार्ग में सफलता पाएंगे, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब में हो, किसी भी प्रकार के कार्य में हो। तो आज का ये वरदान, ईश्वरीय वरदान, गहराई से सोचिएगा और स्वमान क्या क्या है वो आप आकर के ब्रह्म कुमारी में सीखेगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, घर में प्रोटेक्टेड रहें। ओम शांति।